सोनू भिड़े की गंदी आदतें जानकर आप रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, आप सभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो जरूर देखते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पिछले 10 सालों से लोगों का मनोरंजन करता आ रहा है। लोग इसमें के सभी किरदारों को दिल से भी प्यार करते हैं, पर दर्शक ये नहीं जानते कि उनके चहेते किरदार असल जिंदगी में किस तरह के हैं और उनमें क्या अच्छी और बुरी आदतें हैं। आत्माराम भिड़े की शो में बेटी बनी सोनू भिड़े यानी कि निधि भानुशाली को सब जानते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में वो सबकी फेवरेट है, पर उनकी कुछ बुरी आदतों से सेट के सभी लोग परेशान रहते हैं, जो किसी को भी नहीं पसंद। तो दोस्तों, क्या है वो आदतें, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। निधि को बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाने की आदत है, जिससे कि सेट पर सभी लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो काफी हैवी परफ्यूम लगाती हैं और सबको सांस लेने में दिक्कत होती है। इनकी दूसरी खराब आदत है नाखून चबाने की। निधि जब भी फ्री बैठती है तो अपने हाथों के नाखून चबाना शुरू कर देती है, जिसे देख कर सबको उनसे चिढ़न होने लगती है। निधि की तीसरी बुरी आदत है कि उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर वो अपना मुंह फुला लेती हैं, जिससे कि वो खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं और किसी से बात नहीं करती। इतनी छोटी उम्र में ये आदत किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। आगे चलकर इनकी अगली बुरी आदत है सुबह देर से उठने की, जिसकी वजह से ये हमेशा शूटिंग पर देरी से आती हैं। इसकी वजह से सबको इनका इंतजार करना पड़ता है और फिर शूटिंग भी लेट शुरू होती है। निधि को फास्ट फूड खाने की बड़ी गंदी आदत है। फ्री होते ही वो पिज्जा बर्गर जैसे जंक फूड खाना शुरू कर देती है, जिससे वो और भी गुस्से वाली होती जा रही है। अगर निधि को आगे बढ़ना है तो उनको अपनी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। आपको बताते कि निधि भानुशाली एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपने सीन को बार बार रीशूट करवाना पड़ता है और वो बार बार रीटेक लिया करती है, जिस वजह से आसपास के सभी कलाकार उनसे परेशान रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि निधि भानुशाली हमेशा तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के सेट पर लेट पहुंचती हैं, जिससे सभी कलाकारों का शेड्यूल उनकी वजह से बिगड़ जाता है। तो क्यों दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।